आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड सेकंड ईयर के 2023 के बोटनी के सेकंड क्वेश्चन पेपर में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। बीएससी बीएड सेकंड ईयर 2023 के बाकी सभी सब्जेक्ट के गेस्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। बीएससी बीएड से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, एगलर तथा प्रोंटल के वर्गीकरण के दोषों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, बेंथम एवं हुकर पद्धति की कमियों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, लाल बाग उद्यान बेंगलुरु पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, वनस्पतिक उद्यान क्या है समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है, पादप नामकरण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है, पादप नामकरण की परिभाषा दीजिए। सातवां क्वेश्चन है, ब्रैसिकेसी कुल की वर्गीकृत स्थिति लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, ब्रैसिकेसी कुल के कायिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, बोम्बैक्स माल्वा एवं साइडा कोर्डिफोलिया के पुष्पीय चित्र बनाइए। दसवां क्वेश्चन है, मालवेसी कुल के फल एवं बीजों का वर्णन करिए। 11वां क्वेश्चन है, उपकुल मिमोसी के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, सेजल पिनेसी उपकुल के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन है, पेपिलिनेसी उपकुल के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, एपीएसी कुल के वितरण व वर्धित स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, रुटेसी कुल के कायिक लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन है, मुराया पेनिकुलेटा की विस्तृत वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, एकेथेंसी के कायिक लक्षणों पर प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन है, टेबर निमोन्टोना डाइवेरिकेटा पर टिप्पणी लिखिए। 19वां क्वेश्चन है, विनका रोजिया पर टिप्पणी लिखिए। 20वां क्वेश्चन है, नेरियम ओडोरम का विस्तृत वर्णन करिए। 21वां क्वेश्चन है, क्यूकुरबिटेसी कुल के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, लेजिनेरिस वल्गेरिस का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन है, यूफोरबिएसी कुल का वर्गीकरण स्थिति एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 24वां क्वेश्चन है, लिलिएसी कुल के पुष्पीय लक्षणों का वर्णन कीजिए। 25वां क्वेश्चन है, यूका में परागण का वर्णन कीजिए। तो ये थे सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन बोटनिक गार्डन शिवपुर पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, आइबेरिस अमारा का चित्र सहित वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, मालवेस्टर ट्राइक्सपीडियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, मिमोसी के पुष्पीय लक्षणों का वर्णन करिए। छठा क्वेश्चन है, एपीएसी कुल की पुष्पीय संरचना का विस्तृत वर्णन करिए। सातवां क्वेश्चन है, रुटेसी कुल का आर्थिक महत्व का विस्तृत वर्णन करिए। आठवां क्वेश्चन है, किसी ऐसे कुल के पुष्पीय लक्षणों का वर्णन कीजिए जिसकी पत्तियों में सिस्टोलिथ पाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, जेट्रोफा गोसिपीफोलिया पौधे का विस्तृत वर्णन कीजिए। दसवां क्वेश्चन है, एनोनेसी कुल को वर्गीकरण पद्धति एवं जातिवर्ग पर टिप्पणी लिखिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, पौधे के नामकरण से संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस की वर्गीकृत स्थिति वर्धि एवं पुष्पीय संरचना का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, मेरिलोटस इंडिका की वर्गीकृत स्थिति वर्धि एवं पुष्पीय संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, डिस्किडिया रेफ्लिसियाना की पत्ती का कलश के रूपांतरण एवं कलश की अंधेरिक आठ के जड़ों का चित्र बनाइए। पांचवा क्वेश्चन है, एनोनेसी कुल के पुष्पीय लक्षणों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये थे सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चन। और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के बोटनी के सेकंड क्वेश्चन पेपर के गेस्ट क्वेश्चन पेपर, इस गेस्ट क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है,